दसवीं बटालियन पुराने गैस गोदाम के पास कुएं में लाश मिलने से फैली सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। सागर मकरोनिया थाना अंतर्गत शुक्रवार को दसवीं बटालियन पुराने गैस गोदाम के पास कुएं में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना लगते ही मौके पर मकरोनिया पुलिस पहुंची और स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के आपदा प्रबंधन विभाग की रेस्क्यू टीम की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। शव की पुष्टि वार्ड क्रमांक 28 के प्रकाश पिता रामकिशन पटेल के रूप में हुई है। फिलहाल मकरोनिया पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरेश की रिपोर्ट। मनीष दुबे, SBN यूनिवर्सिटी, सब लोग आए आपदा प्रबंधन विभाग से। आज अभी लगभग आधा घंटे पहले सूचना मिली मकरोनिया थाना से। मकरोनिया थाना अंतर्गत बटालियन में सरकारी कुएं के पास एक डेड बॉडी कुएं के अंदर पड़ी है। जैसी सूचना मिली हम लोग अपना दलबल लेके आए, आके देखा, बड़ी मशक्कत के बाद उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद पता लगा कि कोई पटेल करके, प्रकाश पटेल, मकरोनिया इसी थाने अंतर्गत क्षेत्र में रहते हैं। हम लोगों को निकाला। इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं मकरोनिया थाने अंतर्गत। अभी लगभग 2-3 महीने के अंदर ये चौथी घटना है जिसमें हम लोग इस प्रकार की लगातार रेस्क्यू कार कर रहे हैं। तो रेस्क्यू कार करते हुए हम लोग डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं। इसमें कौन कौन शामिल था आपके रेस्क्यू ऑपरेशन में? हमारे रेस्क्यू में हमारे साथ मनीष शुक्ला जी आपदा प्रबंधन विभाग से, हरमान अली हमारे छात्र हैं, विशाल मिश्रा हमारे फायर ट्रेनर भी है, छात्र भी हमारे साथ, हमारे रूप सिंह लेव असिस्टेंट और हमारे वाहन चालक सिकरावत, इन सभी लोगों की मदद से हम लोगों ने इसको बाहर निकाला। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।